पंजाब के लुधियाना में कार सवार पांच बदमाशों ने तीन पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कार पंप पर आकर रुकी, उसमें से नकाबपोश व्यक्ति बाहर आया, पेट्रोल पंप के कारिंदे को हथियार दिखाकर डराया, उससे गाड़ी में तेल भरवाया जाता है। देखते ही देखते बाकी के नकाबपोश भी गाड़ी से बाहर आ गए हैं। घटना 8 अगस्त देर रात की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना 2:30 बजे रात की बताई जाती है। आरोपियों ने पहले तो कार में तेल भरवा लिया, इसके बाद वह पंप के ऑफिस में घुस गए और दो मोबाइल भी लूट लिए हैं। ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी सो रहा था, उस कर्मचारी को भी पिस्तौल दिखाया और दराज चेक किए। दराज खाली होने की वजह से उसमें कुछ नहीं मिला। घटना की शिकायत पेट्रोल पंप के डायरेक्टर बलवीर सिंह ने पुलिस को दी है। पुलिस ने जांच के 3 दिन बाद मामला दर्ज कर लिया। इसके वारदात के बाद आरोपियों ने झेड़ू के नजदीक भी सुबह लगभग 3:30 बजे एक अन्य पंप पर डीजल डलवाया और नकदी लूटी। इसके साथ ही सुबह लगभग 4:30 बजे सहानेवाल डेहलो रोड पर भी आरोपियों ने पंप के कारिंदों से नकदी लूटी। पंप मालिकों ने पुलिस से मांग की है कि पेट्रोल पंपों की सुरक्षा को मजबूत किया जाए।